अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले जी आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह के फजल करम से जी आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है, तो अल्लाह के फजल करम से मैंने भी रोज़ा रखा है। उम्मीद है कि आपने भी रखा होगा। तो अभी मैं अपने घर आया हूँ, ठीक है। घर आके अभी मैं जोहर की नमाज़ अदा करके अभी मैं घर आया ही हूँ। तो आके हम देखते हैं जी आज की इफ्तारी में मैंने कौन सा सामान बनाना है। ये सारा चैलेंज अब मैं ही मुकम्मल करूँगा, ठीक है। फाइनली जी अपने किचन के अंदर आ गया हूँ मैं। तो आपने मेरा किचन भी देख ही लिया है, पहले भी देखा शायद, तो सामान भी आपको दिखाता हूँ। ये जी दही भल्लियाँ पड़ी हुई हैं, दही भल्लियाँ पंजाबी जबान में से दही भल्लियाँ कहते हैं। और ये चने मैंने थोड़ी देर पहले डुबोए थे, पानी में डुबोए थे, पर अभी हमने इसे उबालना है। तो सबसे पहले जी हमने और जी हमने इस पैकेट को मैंने खोलना है। खोल के फिर मैंने ये बल्लियाँ जो मैंने पानी के अंदर डालनी हैं, क्योंकि इसे सबसे पहले जैसे आधे घंटे या एक घंटे तक इसे पहले पानी में डुबोते हैं। ये जब नरम हो जाए तो फिर इस्तेमाल होती हैं। और आगे भी जो जो हमने कुछ चीज़ें इसमें जो मिक्स करनी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। दही बल्लियों में तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी चीज़ मिक्स होती है, ठीक है। आलू होते हैं, चने होते हैं, और ये बल्लियाँ होती हैं, और शायद और साथ में प्याज वगैरह वो भी डालेंगे हम। वो सब कुछ हम बाद में करेंगे। इसको ले लेते हैं, अगर पानी में डुबो देना इसे, ये एक या दो घंटे बाद बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। और फाइनली जी मैंने बल्लियों को मैंने डुबो दिया है। और अब हम जाएंगे सबसे पहले असर की नमाज से। जब नमाज हम पढ़ के आएंगे वापस, फिर आके हम फिर बाकी सारे काम फिर आके करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात तो मैंने एक और आपको बतानी थी, कि शायद आपको ये ना लगे कि जी मैं ये पहले की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है, और ये आप निशानी भी देख सकते हैं। तो अभी मैंने इसे रख दिया, और अब मिलते हैं हम आपको बाद में। 2 hours later फाइनली जी अभी अभी मैं पढ़ के आया हूँ असर की नमाज़। और आप देख सकते हैं जी सूरज बिल्कुल ये परछाना भी जाने लगा है, ठीक है। ये मकान जो है, यानी कि सूरज ये मकानों के नीचे जा चुका है अभी। तो मेरे ख्याल से अभी एक घंटे बाद अफ्तारी होगी। एक घंटा है अभी, मुकम्मल पूरा भी एक घंटा पड़ा अफ्तारी को। तो अभी आप देख सकते हैं जी पीछे बच्चे खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो अभी मैं अपने घर के बाहर खड़ा हूँ, तो अभी मैं अपने घर जा रहा हूँ, और जाके फिर मैंने अफ्तारी की तैयारी करनी है। और जी आप अभी देख सकते हैं जी चने उबाल दिए हैं घर वालों ने, और अभी हम बनाते हैं दही बल्लियाँ। और अभी जी मैंने बल्लियाँ और चने मैंने दोनों मिक्स कर दिए हैं। और अभी मैंने काटने हैं जी आलू, वो आलू भी उबलने के लिए मैंने रखे हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं, फिर हम वो भी काटते हैं। फाइनली जी आपने सबसे पहले जी आपने हरी मिर्चें के अंदर डालनी है, और इसके बाद फिर आपने बंद गोभी ले लेनी है, आधी आपने काट लेनी है, ठीक है। ये तो मैं भी काट रहा हूँ। और जी अभी ना आपने ये जो आलू ना आलू के सिलके आपने ऊपर से उतार लेने हैं, और उतार के फिर हम इसे अभी हम काटेंगे। और ये प्याज है, ये भी आपने काट लेना है बिल्कुल बारीक है, और अभी हम ये भी इसके ऊपर डालेंगे। आलू के भी आपने छोटे छोटे पीस करने हैं। आप देख सकते हैं जी अफ्तारी का सामान बिल्कुल तैयार है। तो दही नहीं अभी हमने इसमें मिक्स किया, जब हम इसे खाएंगे
यानी कि बाद में जब मैं उफ्तारी करने के बाद जब इसे हम खाएंगे तो फिर ये इसके अंदर हम जितना मतलब मसाला हमने डाल दिया है और बस दही ही बस डाल के खानी है हमने बस, यानी कि इस तरह की हमने आज रेसिपी बनाई है। फाइनली जी आप देख सकते हैं जी हमने दस्तरखान हमने सजा दिया है, बस अब इंतज़ार है अफ्तारी का। मेरे ख्याल से अभी 2-5 मिनट रह गए अफ्तारी को। फाइनली जी मैंने कर लिया है जी अफ्तारी, उम्मीद है कि आपने भी कर ली होगी। और अब मैं जा रहा मज़ा करने और अज़ान भी हो रही है, तो इंशाल्लाह करेंगे आपसे मुलाकात अगले रोज़े में, मतलब कल करेंगे इंशाल्लाह। और अब के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।